मेरी पिछली वीडियो में आपने सीखा कि रिंग शेप में समोसा कैसे बनाते हैं, अब इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मैट शेप में समोसा कैसे बनाते हैं। उसके लिए पहले इसको बेलेंगे, लोई बना के फिर इसको बेल लेते हैं। बेलने के बाद इसको रेक्टेंगल शेप में काट लेते हैं, इसको पतला बेलते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं ये हटा देते हैं और रेक्टेंगल शेप कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल शेप करने के बाद अब हम इसके दो हिस्से करेंगे, ये लंबाई में इसके दो हिस्से करेंगे, ऐसे दो हिस्से करने के बाद अब एक हिस्से को उठाएंगे और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली रख देंगे, इसके ऊपर ऐसे। हॉरिजॉन्टली रखने के बाद ये हमारा प्लस का निशान बन जाता है। प्लस का निशान बनने के बाद फिर ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर हम आलू की फिलिंग रखेंगे और इससे मैट बनाएंगे। इस तरह आलू की फिलिंग सेंटर में रख देंगे और फिर इन चारों से मैट की शेप देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर कट लगाएंगे चारों तरफ। इसमें दो पार्ट में कट लगाएंगे और एक को यहाँ पर बंद करेंगे, इसके ऊपर फिलिंग को बंद करते हैं, एक इस तरफ का और एक सामने की साइड का, अपोजिट साइड का। एक ही साइड का नहीं बंद करते हैं, एक इस तरफ का बंद करते हैं और एक दूसरी तरफ का बंद करते हैं, ये ऐसे। इसको बंद करने के बाद ये आलू की फिलिंग हमारी बंद हो गई। अब ऊपर से इसको मैट का शेप देंगे। ये आलू की फिलिंग अच्छे से बंद कर देते हैं, नहीं तो ये निकल जाता है। ये अच्छे से आलू फिलिंग बंद करने के बाद अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे मैट बनाने के लिए। इसके लिए ऐसे यहाँ तक पूरा कट करेंगे, ये जितनी भी घनी आपको मैट बनानी है उतनी आप बना सकते हैं। इसी तरह से इस वाले में भी कट कर लेंगे। इस तरह कट लगाने के बाद अब इसके एक परत को यहां उठाएंगे, ये वाले हिस्से को, और फिर एक को यहां उठाएंगे। बारी बारी से एक इस पार्ट का, एक इस पार्ट का लेते हुए मैट बनाते जाते हैं, यहाँ पर ऐसे चिपका देते हैं। फिर इस पार्ट को उठाते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। फिर इसको उठाते हैं, इस वाले पार्ट का हिस्सा, फिर इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। फिर यहाँ का उठाते हैं,